हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज डॉक्टर निशा एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट अ रेपोट्री शीट और हाउ टू सॉल्व अ रेपोट्री शीट ऑफ केन्स रेपोट्री ठीक है तो केन रेपोट्री हम लोग आज देखने वाले कि कैसे केस सॉल्व करें और सारे जो दूसरे रेपोटरीज है वो भी सिमिलरली सॉल्व करने लेकिन डिपेंडेंट ऑन द केस वी हैव टू चूज द रेपोट्री तो हम लोग वो देखने वाले आज ठीक है तो पहले तो मैं आपको रेपोट्री शीट दिखा दी हूँ कैसे दिखता है तो ये रहा आपका रेपोटरी शीट ये जो पार्ट है ना इसको अवॉइड करो ये कॉलेज का नाम था इसलिए मैंने वो डिस्क्लोज नहीं किया है तो देखिए रेपोट्रियल एनालिसिस ठीक है तो ऐसे कुछ इस तरह से होता है रेपोटरी का शीट आपका ठीक है ये बेसिक रेपोट्री शीट है तो इसमें हम लोग सारे केसेस सॉल्व करते है कम्प्यूटर रेपोट्री छोड़ के कंप्यूटर रेपोट्री आप लोग जो भी सॉफ्टवेयर आपके कॉलेज में है वो सॉफ्टवेयर से आप लोग कंप्यूटर रेपोटरी सॉल्व करोगे जैसे कि मैंने ना जोमियो पे सॉल्व किया है और सिंथेसिस पे सॉल्व किया है तो मुझे तो उन दोनों की प्रैक्टिस है तो अभी ये देखते हैं कि मैन्युअली रेपॉटरी शीट कैसे सॉल्व की जाती है तो रेपोटरी शीट में पहले क्या होता है देखो पेशेंट्स नेम पूरा पेशेंट का नाम लिखना है फिर डेट आती है फिर आता है ये एज जेंडर ओ नंबर फिर यहाँ पर है सिम्टम्स ठीक है तो ये जो सिम्टम्स है तो ये क्या होगा सिम्टम्स जो जब हम लोग केस लेंगे ठीक है तब केस में हम लोग एनालिसिस करेंगे इवेल्यूएशन करेंगे ठीक है तब आपको है ना पता चलेगा जब हम लोग केस लेंगे ना तब आप हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly वो केस किस डशन uh, में जा रहा है मतलब हमको वो केस केन्स रेपोटरी से सॉल्व करना है या फिर हमको वो केस बीबीसीआर uh, से सॉल्व करना है टीपीबी से सॉल्व करना है या फाटक से सॉल्व करना है जो भी रेपोटरी आप लोग चूज करो अकॉर्डिंग टू केस मतलब डिपेंडेड ऑन केस ओनली ठीक है तो अभी तो फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल तो केन्स रेपोर्ट्री दे रही हूँ ठीक है तो ये जो है ना ये शीट कॉमन रहेगा सब लोगों को ठीक है लेकिन एज हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम uh, कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेपटरी तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेपटरी में हम लोगों को हम लोगों ने सब कुछ देखा था कि है ना कौन सी रेपटरी कब आ, देखनी है कब रेफर करनी है ये भी मैंने आपको सिखाया था तो अगर आप वो मिस कर चुके हो तो पीछे जाके आप लोग वो पढ़ के आना फिर आपको ये शीट बहुत ईजीली समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है फिर हम लोगों ने आ, देखते केस ले ली हम लोगों ने ओपीडी में बैठ के सामने पेशेंट है हम लोगों ने पूरा केस ले लिया डायग्नोसिस भी दे दिया उसको फिर आता है होम्योपैथिक पार्ट केस का तो क्या होगा पहले पहले तो केस का एनालिसिस करेंगे हम लोग फिर इवेल्यूशन करेंगे फिर इवेल्यूएशन पे हम लोग टोटालिटी निकालेंगे फिर टोटालिटी कैसे रहेगी तो ग्रेड वाइज टोटालिटी रहेगी जो कि हमने इवेल्यूएशन में देखी है तो उस टोटालिटी से वो टोटालिटी लेके हम लोगों को रेपोटोरियल टोटालिटी देखनी है ठीक है तो रेपोटोरियल टोटालिटी यहाँ पे हम लोगों ने सिम्टम्स लिख लिए और रेपट्रियल टोटैलिटी में क्या आता है तो रूब्रिक्स और पेज नंबर्स हमें लिखने होते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे सिम्टम्स लिख दिए सिम्टम्स तो के ऊपर से हम लोग रेपटरी में इस रूब्रिक्स को फाइंड करेंगे सिम्टम्स के रूब्रिक्स को फाइंड करेंगे और वो रूब्रिक्स को फाइंड करने के बाद हम लोग वो रूब्रिक यहाँ पर लिखेंगे उसके साथ ही में वो रूब्रिक कौन से पेज नंबर पे दिया है तो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ठीक है और फिर ये जो पार्ट है ना नीचे वाला तो ये पार्ट हमें अंदर का पार्ट सॉल्व करने के बाद मिलेगा ये तो पार्ट अभी इसको टच ही नहीं करना है स्टार्टिंग में ठीक है तो अंदर का अंदर का पार्ट देखेंगे हम लोग अभी इस रेपोट्री शीट का तो ये कुछ इस तरह से होता है देखो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन होता है जो कि प्रिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पेशेंट को देना है वो प्रिस्क्रिप्शन ये भी पार्ट बाद में आएगा ठीक है जो फर्स्ट पार्ट है इस रेपोट्री का तो वो क्या है यहाँ पे जो हम लोगों ने पिछले टाइम पे यहाँ पे सिम्टम्स जो लिखे हैं ना ये जो सिम्टम्स है तो वो सिम्टम्स हमें यहाँ पे लिखने हैं ऐसे ठीक है हॉरिज़ॉन्टल वे में हमें ये सिम्टम्स लिख लेने हैं उसके बाद ये जो नंबरिंग है ना ये सिम्टम्स के नंबरिंग से मतलब हम लोग इलेवन तक सिम्टम्स लिख सकते हैं इलेवन सिम्टम्स तक ठीक है उसके बाद ये जो साइड मतलब में है ये सारे के सारे ड्रग्स दिए ठीक है यहाँ पे भी इस पेज पे भी और पीछे वाले पेज पे भी सेम सारे ड्रग्स है ठीक है तो हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स लिख लेंगे और ये जो नंबरिंग है वो सिम्टम्स के नंबरिंग है जितने भी नंबर्स है ठीक है फिर अभी देखो ये सिम्टम एब्रोटानम में है क्या ये सिम्टम एसिटिक एसिड में है क्या ये सिम्टम एकोनाइट में है क्या एथ्यूजा में है क्या ये सब कुछ के ऊपर हमें यहाँ पे ग्रेडिंग लिखनी है जो कि वो सिम्टम इस रेमेडी में प्रेजेंट है या नहीं ठीक है तो ये सब कुछ ऐसे ही सॉल्व करने हैं सारे के सारे तो कैंट्रेपोटरी में हमें पता है थ्री थ्री ग्रेड दिए ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री या फिर थ्री मार्क रेमेडी टू मार्क रेमेडी और वन मार्क रेमेडी उसको ग्रेड भी कहा जाता है या फिर मार्किंग भी कहा जाती है ठीक है ग्रेड और मार्किंग में इनवर्सली प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन रहते ठीक है और मतलब अगर मार्किंग हाई होगा तो ग्रेडिंग लो होगा ग्रेडिंग लो होगा तो मार्किंग हाई होगा इस तरह से मार्किंग होती है ठीक है तो हम लोग अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो ये रहा एग्जाम्पल तो पेशेंट का नाम लिखा है फिर उसका एज है फिर जेंडर ओ नंबर वगैरह ये सब कुछ लिखा है फिर देखो सिम्टम्स सिम्टम्स की इधर रुब्रिक्स ऐसे रूब्रिक लिखना है पहले तो है ना रूब्रिक में चैप्टर आएगा फिर उसका जनरल रूप्रेक आएगा फिर सब रूब्रेक आएगा और फिर उसके पेज नंबर आएंगे ठीक तो है तो ऐसे लिखने सेवन सिम्टम्स है फाइन एंड देन ये तो नेक्स्ट पार्ट हो गया पहले तो हम लोग है ना केस देख लेते हैं केस में देखो प्रिलिमिनरी डेटा चीफ कंप्लेंट, एसोसिएटेड कंप्लेंट, ये सब कुछ है ठीक है एनालिसिस भी होगा इवेल्यूशन भी होगा एनालिसिस किया है इवेल्यूएशन किया है सब कुछ सब कुछ होगा ठीक है और उसके बाद हम लोग रेपोटोरियल टोटालिटी फ़िलअप करेंगे तो रेपोटोरियल टोटालिटी कैसे फिलअप करते हैं वो मैं दिखाती हूँ देखो अभी यहाँ पे सिम्टम्स लिए गए हैं ठीक है थीके? उस सिम्टम्स के ऊपर से ये जो है ना रेमेडी ये जो मार्किंग है रेमेडी को तो वो दी गई है और देखो एक्ोनाइट में टू है मतलब एक्ोनाइट थर्ड सिम्टम को वन ग्रेड है और फोर्थ सिम्टम को भी एकोनाइट में वन ग्रेड दिया है तो वन प्लस वन टू और ये कितने ब्लॉक्स में है तो टू ब्लॉक्स में तो टू बाई टू ये वन ब्लॉक में है तो वन बाई वन ये थ्री ब्लॉक में है तो थ्री बाई थ्री मतलब अभी देखते हैं थ्री प्लस टू प्लस टू सेवन हो गया और ये कितने ब्लॉक में वन टू थ्री थ्री ब्लॉक में तो इस तरह से हम लोगों को सारा सॉल्व करना होता है सब रेमेडियो रेमेडीज का ठीक है तो ये जो सिम्टम है ना वो कौन सी रेमेडी में कितने मार्क्स को दिए वो जो सब सिम्टम्स होते हैं तो वो हमें देखने और फिर हम लोगों को ये ऐसे सॉल्व करना है अभी हम लोगों ने देखा कि है ना कैसे सॉल्व करना है कैसे मार्किंग्स देने हैं तो रेपटरी शीट में देखते कि कैसे करना है तो पहले तो हम लोग चैप्टर निकालेंगे रेक्टम एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं रेक्टम में इन्वॉलेंट्री स्टूल्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो इन्वॉलेंट्री स्टूल ये उसका जनरल रूब्रिक है फिर इसमें देखो ये एलोज जो दिया है ना फिर एपिस है फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम है तो ये जो तीन रेमेडीज़ के अंडर हम लोग पढ़ते हैं तो देखो एलोस जो बोल्ड में है एपिस मेलिफिका ये रोमन में है सॉरी इटैलिक्स में है और अर्जेंटम नाइट्रिकम ये रोमन में है तो एलोस सोकोटिना को थ्री मार्क रेमेडी कहा जाता है क्योंकि ये बोल्ड लेटर में लिखी है ये उसकी मेन रेमेडी या फिर बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जिसमें इन्वॉलेंट्री स्टूल्स के लिए ये रेमेडी दी गई है तो ये थ्री मार्क रेमेडी है फिर एपिस है टू मार्क रेमेडी और अर्जेंटम नाइट्रिकम वन मार्क रेमेडी तो ऐसे जो बोल्ड में है इटालिक में रोमन में तो इस हिसाब से हम लोगों को रेपोट्री शीट में फिलअप करना है वन टू थ्री और बाकी सारे रेपोटरीज में भी अलग अलग ग्रेडिंग रहेगी जैसे कि बीबीसीआर टीपीबी में फाइव ग्रेड रेमेडी है ग्रेड्स है तो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे हम लोग रेपोट्री शीट में फिलअप करेंगे फिर रेमेडीज़ कितनी बार आएगी मतलब एलोसोकोटिना थ्री ग्रेड फिर ना दूसरे सिम्टम में अगर एलोज आया तो वो थ्री ग्रेड को होगा या टू ग्रेड को होगा तो वो हम लोग लिखेंगे वहाँ पे नंबरिंग देंगे और फिर वो नंबरिंग को काउंट करके कितने ब्लॉक्स हुए वो काउंट करके हम लोग लास्ट में वो ऐड कर देंगे तो ऐसे हमें ये रेपटरी शीट का स्टडी करना है और रेपटरी शीट से रेमेडी हम लोगों को निकालनी है जो कि सिमिलिमम होगी उस केस के लिए ठीक है और फिर उसके बाद ये जो फर्स्ट पार्ट है ना वहाँ पर जाना है हमें फिर सबसे ज़्यादा ग्रेड किसको है तो नेट्रम नेट्रोम्यूर को नक्स वोमैका को ये सबको सबसे ज़्यादा ग्रेड है तो सबसे ज़्यादा ग्रेड वाले रेमेडीज में ऐसे हम लोग लिख लेंगे वैल्यूज़ उसकी वैल्यूज लिखने के बाद हम लोग एक रेमेडी को निकालेंगे देखो नेट्रम नैट्रोम्यूर इज़ द हाइएस्ट रैंकिंग रेमेडी एंड नक्स वोमेका एंड सल्फर उसके बाद नेट्रम के बाद नक्स वोमेका आता है फिर सल्फर आता है तो हम लोगों का एज अ एज ए मतलब इसका ग्रेड ज़्यादा है नक्स नैट्रो म्यूर का तो हम लोग उस रेमेडी को सिलेक्ट करेंगे म्यूर और पोटेंसी भी हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द केस ओनली ठीक है तो हंड्रेड पोटेंसी हम लोगों ने प्रिस्क्राइब कर दी उस पेशेंट को अभी उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखना है तो प्रिस्क्रिप्शन में तो है ना पहली बार आएगा उसका नाम फिर उसका एज और जेंडर आएगा फिर आएगा उसका प्रिस्क्रिप्शन मतलब रेमेडी मेन थिंग यहाँ पे तो आपको कैपिटल में पूरा नाम लिखना ही लिखना है का फिर उसकी पोटेंसी आएगी फिर जितने भी बार रिपीटेशन हो गए जैसे भी जितने दिन के लिए होगा फिर फॉलोअप क्या होगा ये सब कुछ हम लोग लिख के फिर साइन एंड रजिस्टर नंबर लिख के हम लोग खत्म तो ये पार्ट था रेपोटरी का सो so, ऐसे सॉल्व करनी होती है रेपोट्री की शीट ठीक है नाउ इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम